इंदौर की बाणगंगा थाना पुलिस ने निर्वाचन शाखा के बीएलओ का अपहरण कर उनके एटीएम से रुपए निकालने वाले एक जिला बदर आरोपी और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पीड़ित का एटीएम आधार कार्ड भी पुलिस ने जब्त किया है। दरअसल पिछले दिनों आरोपियों पर एक निर्वाचन शाखा के बीएलओ के साथ मारपीट कर उन्हें बंधक बनाकर उनके एटीएम से पैसे निकाल लिए गए थे, जिसके बाद पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो थोड़ा कठिन था, लेकिन फिर भी उसकी लगातार दो तीन दिन से लगातार हमारी टीम लगी हुई थी उसमें। तो विशाल को फिर टारगेट करके पहले विशाल को पकड़ा, फिर विशाल ने थोड़ा बहुत बरगलाया, फिर उसने बताया कि हाँ उसने घटना की है। उसके बाद उसके साथ में रोहित नाम का लड़का, रोहित कुशवाहा नाम का लड़का था। अब एटीएम का फुटेज देखा तो वह लड़का जो पैसे निकाल रहा है वो फ्लोरोसेंट जैकेट और मुंह पे नकाब पहने हुए, तो ये तो कठिन था कि ये रोहित है या नहीं है। फिर जब रोहित से सख्ती से पूछताछ की तो रोहित ने वो अपने कपड़े भी जब्त करवाए जो उस वक्त उसने एटीएम से पैसा निकालते वक्त पहन रखे थे, तो इससे स्थापित हो गया कि रोहित दूसरा बदमाश जो था वो रोहित था। फिर रोहित की तलाशी ली और जब उससे पूछताछ करी तो उसने अपने मेमोरेंडम पे वो एटीएम भी बरामद करा दिया जो उसने उस दिन फरियादी से लेकर पैसे निकाले थे, और उसकी शायद पत्नी का आधार कार्ड और एक दो डॉक्यूमेंट्स और हैं जो उसने फरियादी से लिए थे, वो सब जब्त हो गए। उन दोनों की गिरफ्तारी हो गई। अब उनको